Kartik, this character has been taken a lot of mentally and physically. So after you finished the shooting, how difficult was it to come out of this character? I think मेरे साथ बहुत चीज़ें इस character की गई हैं. मुझे actually I don't want to come out of it because I think it's a lot to do with the will to succeed, lot of discipline, lot of you know चाहे वो mentally जिस space में रहा हूँ या फिर physically जिस space में रहा हूँ I think it's all been very nurturing, very something which has given me so much positivity in life and I feel ये मैं जाने भी नहीं देना चाहूँगा. आई थिंक द लाइफ स्टाइल दैट आई वॉज लिविंग फॉर द लास्ट 2 years वो लाइफ स्टाइल आगे भी अपना के रखना चाहूँगा और साथ ही साथ जो मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड वो शायद पहले भी था जिस तरीके से आज तक मैं जिया हूँ लाइफ को, लेकिन इस फिल्म ने मुझे और भी ज़्यादा उस चीज़ को वैलिडेशन की तरह दिया है बिकॉज आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन जब मैंने पहला नरेशन सुना था तो मुझे इनकी कहानी जब पता लगी थी तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हो गया था कि जिस तरीके की विल टू सक्सीड इनके अंदर है उसने मुझे ऑलरेडी इंस्पायर कर रखा था. तो मैं उस लेवल का द मैन हु रिफ्यूज़ टू सरेंडर आई थिंक मैं उस मोटो को लेके चलना चाहता हूँ एंड मैं इस कैरेक्टर से बाहर आना ही नहीं चाहता हूँ. आप मुरलीकांत पेटकर जी से मिले जी पर ये क्या कुछ सीखने मिला उनसे? क्या तो मैं उनसे फ़िल्म के शूटिंग के दौरान मिला था और मैं स्विमिंग के पोर्शन के टाइम मिला था और बहुत इंस्पायरिंग था अगेन उनसे मिलना. उनका एक ब्लेज़र है वो जो पहनते हैं जिसमें उनके सारे मेडल्स हैं और वो मतलब वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वो वॉर हीरो भी रह चुके हैं, वो उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हमारे लिए बहुत चीज़ें अचीव किए तो वो देख के ही मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था. उनकी कहानी में एक्चुअली में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक फ़िल्म में लाना बड़ा मुश्किल भी था फॉर कबीर सर एंड अगर वो सारी चीज़ें लाते तो मुझे भी वो सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती तो थैंकफुली अभी 3 या 4 स्पॉट हैं जो मुझे सीखने पड़े बट उनसे मीटिंग करके मुझे वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ. प्लस उनने जब स्विमिंग देखी तो उन्होंने मुझे अगेन जिस तरीके से इंस्पायर करने के लिए कहा या कैसे, लेकिन उनको लगा कि मेरी स्विमिंग उनकी तरह थी एंड आई वाज सो हैप्पी विद जस्ट दैट वन कॉम्प्लीमेंट दैट ही गेव मी एंड आई फेल्ट कि 2 साल की पूरी मेहनत मेरी रंग लगी क्योंकि जिनके लिए जिनकी ऊपर ही आधारित है उनको ये ऐसा लगा. बात कर ऐसी मूवीज़ की जिसमें जो बायोपिक्स होती है मेरी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड होती है सो ऐसी मूवीज़ में राइटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि दे हैव टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग सो बट कहीं ना कहीं इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है. दे डोंट गेट दैट रिकॉग्निशन दैट दे वांट एंड दे नीड. सो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए मेरी जितनी भी फिल्में मैं करता हूँ उसमें मैं हमेशा और जब से मेरे पास फिल्मों के ऑप्शंस आने चालू हैं मेरा बेसिक इंटेंट यही रहता है कि फ़िल्म की राइटिंग करेक्ट रहे और वो सबसे पहला पिलर होता है फ़िल्म के लिए जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है एंड इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक राइटर और उनका जो सुर है फ़िल्म का. अब उनका जो इनफैक्ट चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो उनके बारे में बातें हों मैं हमेशा कभी वी डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट एंड वी वांट देम टू ऑलवेज गेट दैट. और ऐसे बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है ये चीज़ क्योंकि वो सबसे मेन यू नो एक किसी भी बेबी को नर्चर करने वाले इंसान होते हैं जिसने वो बनाया होता है तो आई थिंक यहाँ पे भी जिस तरीके से सुमित ने कबीर सर ने सबने मिलके इस चीज़ को बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से किया है and I think the credit should be given where it's due. Kartik, a lot of people associate you with a boy next door image. Do you think this film is that your effort to consciously break away from the film? अभी मतलब मैं इससे पहले फ्रेडी भी कर चुका हूँ, धमाका भी किया है और my last release was सत्य प्रेम की कथा and now this. So पता नहीं मैं consciously कर रहा हूँ या strategic है but आई थिंक माई गट इंस्टिंक्ट जो मुझे आता है वो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. शायद वो यही चाह रही है कि मैं अलग अलग करता रहूँ चीज़ें लेकिन वो अपने आप हो रहा है. मेरे पास जो फिल्में आ रही है मैं उनमें से बस जब सुनता हूँ तब डिसाइड करता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर कि नहीं यार ये मेरे स्ट्रैटेजी में नहीं बैठ रहा है ऐसा नहीं सोचता हूँ. मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अच्छी फिल्म है या मैं थिएटर जाके ये फिल्म देखना चाहता हूँ कि नहीं और मुझे मज़ा आएगा कि नहीं। तो आई थिंक वो डिसीजंस पे ज़्यादा बेस्ड है और वो ऑटोमेटिकली जब वो होता है तो अपने आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता रहता है। सो आई थिंक आई एम गोइंग विद द फ्लो। अब कल को 3 फिल्में बैक टू बैक, अगर मुझे रोमांटिक भी मिले तो मैं वो भी करूँगा, मैं अच्छी स्क्रिप्ट नहीं जाने दूँगा। हाँ, एडिंग टू दिस, क्या कोई एक चीज़ व्हिच मेड यू टू से यस फॉर दिस टू गो? आई थिंक ये स्टोरी जो जिस तरीके की ये कहानी है उसने मुझे पहले ही 1 लाइन में मैं मतलब बहुत इंस्पायर हो गया था और मैं बहुत इंट्रीग हो गया था कि ये फिल्म एक तरीके से ये सैड रियलिटी है जिसमें मैं शॉक तो था लेकिन मैं सैड भी हुआ था ये सोच के कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी कहानी, इतनी बड़ी कहानी सेलिब्रेट नहीं हुई आज तक। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत एक आई थिंक इंस्पायर किया और मुझे 100% मतलब श्योरिटी दी कि ये फिल्म तो, इसकी कहानी तो सब तक पहुंचनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज वन मेन रीज़न जिसकी वजह से ये फिल्म में पहला मेरे दिमाग में यस आया। फिल्म में हेमांगी कवि, आरवा वेलणकर मराठी एक्टर्स भी हैं और खुद मुरलीकांत पेटकर सातारा से थे, महाराष्ट्र से। सो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक मैं पूरी कास्ट का ही बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा पूरी कास्ट को कि जिस तरीके से, और उसमें भी जिस तरीके से कबीर सर ने हम सबको कास्ट किया इस फिल्म में, वो बहुत ही यूनिक था। मैं बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा था एंड जिस तरीके की कास्टिंग है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो उनकी यूनिकनेस समझ आएगी क्योंकि वो बहुत ही एक अलग सा एक फैमिली रिलेशनशिप है, एक कोच और यू नो स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे इस फिल्म में बहुत ऐसे डायमेंशंस हैं और वो बहुत ब्यूटीफुली अगेन रिटन है। सो आई फील कि ये मैं थैंकफुल हूँ पूरे कास्ट का हमारी, जिन्होंने एक्चुअली जिनके काम की वजह से शायद मेरा काम भी और अच्छा दिखता है। एंड हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट सीन्स थे जिसमें डायलेक्ट, क्योंकि पूरी पिक्चर हिंदी में, लेकिन क्योंकि मराठी थोड़ा सा होना था तो उसमें बहुत डायलेक्ट का यूज़ हुआ है कि कहीं कहीं वर्ड्स की नहीं की जगह नाई बोल दिया, चैम्पियन की जगह चैम्पियन बोल रहा है, चैम्पियन हूँ मैं की जगह है मैं। सो वो सारी चीज़ों में बहुत वर्क किया है। तो उस तरीके से डायलॉग को लिखा गया था और उसका सुर बनाया गया था एंड तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प भी किए हैं टू बिल्ड अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर इन एनी फिल्म। ह्यूज कांग्रेचुलेशंस फॉर द चंदू चैंपियन। जैसे कि हमने देखा है कि हर चंदू एक चैंपियन है, तो मेरे फादर साहब का नाम है चंदू, सो चैंपियन बॉम्बे। जिस तरीके से हमने आपके अक्सर फिल्मों में देखा है कि म्यूजिक का काफ़ी एक अच्छा प्रभाव रहा है, चाहे अभी इस फिल्म में प्रीतम दा कंपोज कर रहे हैं। सो आपका और प्रीतम दा का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हमने देखा है, जैसे कि चाहे वो बुलबुल हो, चंदू चैंपियन हो, या फिर इसके पहले भी बहुत सारे आपने पूछे शेदाता हो। तो किस तरीके से आप इस म्यूजिक कॉम्पोजिशन को देखते हो और किस तरीके से कॉम्बो आपको? आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन किया और ये पूरी एल्बम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई हुई है, जिसमें मेरा अभी रिसेंटली इनफैक्ट एक गाना लॉन्च हुआ जो सरफिरा गाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी मेलोडी। एंड इनफैक्ट वो फिल्म में जिस तरीके से, इसमें तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखाया था सरफिरा में, लेकिन जिस तरीके से वो फिल्म में जब आता है वो बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को और वो बहुत मतलब गूजबम्प मोमेंट है जब वो गाना आता है फिल्म में। मुझे लगता है कि उसके अलावा चैम्पियन जो सॉन्ग है, जो कि तू है चैंपियन, वो तो एंथम बन चुका है और वो आई थिंक बहुत ऐसे रेयरली आपकी फिल्म में ऐसे गाने आते हैं जो किसी भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आजकल, चाहे वो आप कोई ऐप खोलो, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको तू है चैंपियन कहीं ना कहीं दिख जाता है किसी के उस पर फीड पे या किसी भी जगह पे। तो वो ऐसा सा गाना उन्होंने एंथम बना दिया है प्रीतम दा ने, जो बहुत ही आई थिंक हमारे फिल्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक सॉन्ग रहा है। प्लस उसके अलावा आई थिंक सत्यानाश ने तो ऑलरेडी बहुत सारे सत्यानाश रील बन चुके हैं, उसमें बहुत चीज़ें हो चुकी, तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँगा। बट दे आर ऑल, मैं जैसे जैसे ये नाम भी लेता जा रहा हूँ गानों के, वो सारे के सारे एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतना अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छे से, प्रीतम दा की वही क्वालिटी कि एक एल्बम में वो डिस्टिंक्ट गाने बनाते हैं और अभी तो सारे रिलीज़ भी नहीं किए एक्चुअली। सो वो बहुत ही अलग अलग गाने हैं पूरी फिल्म में और आपको वो दिखेगा बस 2 दिन बाद। A lot of biopics are not able to create magic at the box office. So how different is Chandu Champion from all the biopics we have seen, and is there pressure of Bollywood box office outcome? मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता, मुझे लगता है सर बायोपिक की बात नहीं है और वो जॉनर की बात नहीं है, वो फिल्मों की बात होती है कि फिल्म चलती है या नहीं चलती है। वो ये नहीं होता कि ये जॉनर नहीं चलता। यही जॉनर में मैं 4 एग्जाम्पल दे दूंगा जो बहुत चलते हैं। एक नहीं चला होगा रिसेंटली तो उससे फिर दूसरे पे ज़रूरी नहीं है कि लोग वो देखना नहीं चाहते। अच्छे से बनाएंगे तो आई फील कि लोग जाएंगे। मैं भी वैसे ही देखता हूँ उन चीज़ों को कि सडनली अगर रोमांटिक फिल्म एक नहीं चलेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी रोमांटिक फिल्म ना चले। वो जॉनर का नहीं होता, कहने का मतलब है वो। आई थिंक मीनिंग वो है कि फिल्में चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो आई फील कि इसमें, और ये सिर्फ एक ये स्पोर्ट्स बायोपिक पहली बार तो नहीं है, ये एक्चुअली में एक जर्नी है किसी इंसान की जिन्होंने आप एक स्पोर्ट्स बायोपिक जब भी देखते हो तो एक स्पोर्ट देख रहे होते हो और उसी में सब कुछ होता है, उसकी हार उसकी जीत उस इंसान की। इस फिल्म में एक्चुअली इसकी यूनिकनेस ही ये है कि ये स्पोर्ट्स इसका एक बैकड्रॉप है। इसमें ही इज़ अ वॉर हीरो, ही इज़ समवन जिनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं जिसमें स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है। उन्होंने स्पोर्ट्स में भी बहुत चीज़ें अचीव की। उन्होंने अपने सोल्जर वाले जब उनका एक एज ग्रुप था जिसमें वो सोल्जर थे उसमें भी उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हैं। उसके अलावा उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, तो ये एक प्रॉपर एक जर्नी है एक इंसान की जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने कभी ऐसी बायोपिक ना देखी है ना सुना है इसके बारे में। इनफैक्ट वेस्ट में या बाहर ऐसी बहुत ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें वो बहुत कम अचीवमेंट्स में भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो हम तक भी पहुंच जाती हैं वो फिल्में। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ऐसी एक्चुअली में कहानियाँ हैं जिनके जो अनसंग हीरो हैं, जिनमें से मुरलीकांत पेटकर जी एक अनसंग हीरो हैं जिनकी कहानी एक्चुअली इंडिया का नाम बाहर तक रोशन किया है। उसको तो एक्चुअली में सबको जानना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत यूनिक कहानी है जिसमें वो रेसलर भी रहे हैं, जिसमें वो बॉक्सर भी रहे हैं, जिसमें वो स्विमर भी रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग और भी स्पोर्ट्स हम दिखाते तो इसके अलग अलग सीक्वेंस बनने पड़ते, तो वो इतना नहीं दिखा सकते। तो वो सब बेस्ट पोर्शन मिला के जो कबीर सर और मुरली सर को लगा कि ये करेक्ट है, आई थिंक वैसे करके ये फिल्म बनाई। तो ये यूनिक मुझे लगा, बहुत अलग किस्म का एक चाहे आप बायोपिक बोलें चाहे आप उसको एक ह्यूमन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी। ये ट्रायम्फ की कहानी है एक ह्यूमन स्पिरिट की, एंड विच आई थिंक सब लोग को रिलेट कर पाती है हर बार। कार्तिक, did you have any kind of emotional breakdown while shooting for the film? A lot of times, actually, मुझे एक दो सीन में ऐसा हुआ था कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो मैं बहुत रिलेट कर पाया था उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं मतलब मैं पर्सनल तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि ये इनकी कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ हैं, ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे जेन्युइनली और मैं उस टाइम एक्चुअली उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो मैं 2 साल से 1.5 साल से सिर्फ यही 2.5 साल से यही कैरेक्टर जी रहा था। तो दिमाग में जब मेरे वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था तो तब वो इमोशनल ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली हुआ था। एंड आई थिंक स्पेशली जो एक जो ट्रेलर के एंड पे मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो चैम्पियन बन सकता है, वो जो लाइन जब वो पूरा एक वो काइंड ऑफ एक सीन है उसमें ये हुआ था। बायोपिक करना उतना इजी नहीं होता क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को एक बड़े पर्दे पे आप दर्शाते हो जी, तो ये भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो रियल लगे ना लगे। तो उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को कितना प्रिपेयर रखते हो एक बायोपिक में, और इमेजिनरी स्क्रिप्ट पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है और एक बायोपिक पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है? तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी रियल इंसान पे एक फ़िल्म कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये इसका अप्रोच कैसे किया जाता था या क्या करते हैं लोग। और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो उनके बारे में जब भी कुछ सर्च करो तो इतनी ज़्यादा इमेजेस या इतना कोई वीडियो जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ कि यंग मुरली अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो कबीर सर ने मेरे लिए वो चीज़ वो बहुत बड़ा डिसीजन था जो लिया गया था कि मुरली सर से मैं फ़िल्म से पहले नहीं मिलूँगा, बिकॉज़ वो टाइम स्पेंड उनके साथ कर रहे थे और वो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपने नोट्स बनाए, वो नोट्स से हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेशंस होते थे एंड देन वो कैरेक्टर बिल्ड उन पॉइंटर्स पे किए एंड उसके अराउंड फिर वो एक कैरेक्टर बनाया गया जैसा उनकी बातों से निकल के आ रहा था। और वो बहुत मुश्किल काम भी होता है क्योंकि यू नो वो अभी जिस एज में है उससे वो बचपन की बातों से लेकर यंगर डेज़ की सारी बातें याद करते थे। आई थिंक कबीर सर उनका एक फॉर्मेट है जिस तरीके से वो बायोपिक्स करते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ऐसे उनसे नोट्स किए विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो आई थिंक। एंड मेरा मेन डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो थी कि टू डीकंस्ट्रक्ट माई इमेज, बिकॉज मेरा इमेज एक्चुअली दिमाग में सबके शायद एक एक तरीके से बैठा हुआ है, सब मुझे जानते हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट ऑफ ऑडियंस मुझे एक तरीके से देखना भी पसंद करते हैं, तो वो डीकंस्ट्रक्ट करना। और मुझे यहाँ पे जो चंदू चैम्पियन में एक विदाउट रेफरेंस लोगों के दिमाग में डालना कि ये वो हैं, वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड समवेयर डाउन द लाइन अभी जितने रिएक्शंस आ रहे हैं थैंकफुली वो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी तैयारियां की आपने, कुछ ऐसा था जो तैयारी नहीं करनी पड़ी, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको आती थी? और इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी, इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत सोचता था कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, क्रिकेट फुटबॉल सब आता है, लेकिन मैं जब इधर आया तो मुझे पता चला मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे रेसलिंग करनी है। वॉर सीक्वेंस भी उन्हें 8 मिनट का वो सिंगल शॉट करना था, तो हर चीज़ मेरे लिए नहीं थी। बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरी तरह से करना था, तो सब कुछ मिला मिलू के वो हर चीज़ ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि इसमें मेरे मोनोलॉग्स हैं, या ऐसा नहीं था इसमें मैं कॉमेडी कर रहा हूँ या मैं रोमांस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे से इवेड कर दी गई थी और मुझे एकदम ही नए एरिना में डाल दिया गया था। तो मैं बहुत डिस्कम्फर्ट में था, आउट ऑफ कंफर्ट जॉनर कर रहा हूँ एंड आई होप कि इसमें भी वो एक्सेप्टेंस मिले इसमें और लोगों को पसंद आए। No, I think it's a combination of both. I think producers को profit होना भी बहुत ज़रूरी है and साथ ही साथ आपका एक जो passion है जिस तरीके से आप फिल्म बना रहे हैं वो creative satisfaction भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का जब combination होता है तो I think वो content with commercial success वो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ and I feel कि मेरे पिछली कुछ चॉइसेस में या फिल्म्स में वो दिखता होगा आपको। एट लास्ट सर, जो चंदू चैंपियन के जो दर्शक वेट कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की ये कहानी है ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से इंस्पायर करेगी। मुझे लगता है कि आप जब ये थिएटर जाएंगे तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए और स्पेशली बच्चों को लेकर जाइए, बिकॉज उनके लिए कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा। और हाँ बोलिए। स्टैंडिंग ओवेशन मिला है स्क्रीनिंग पे, व्हाट यू वांट टू से? मैं बहुत इमोशनल मोमेंट था वो हम सब के लिए। ये जो स्क्रीनिंग की गई थी जिसमें मुरली सर ने पहली बार फिल्म देखी और एंड उनके साथ आर्मी चीफ भी थे एंड साथ ही साथ वाइस आर्मी चीफ भी थे, तो उनके लिए भी बहुत ही सबके लिए हमारे लिए इमोशनल मोमेंट था कि एक जो सोल्जर इंडियन आर्मी के रहे हैं उनकी फिल्म उन पे आधारित, उनके आर्मी चीफ, उनके वाइस आर्मी चीफ और इतने सारे आर्मी पर्सनल सब देख रहे हैं वहाँ पे उनके साथ वो फिल्म, प्लस जिस तरीके से उनको स्टैंडिंग ओवेशन इस फिल्म को मिला। आई थिंक वी वर ऑल टेरी आइड ओवर देयर बिकॉज ये बहुत मेहनत से बनाई है फिल्म और 2-2.5 साल की मेहनत है सबकी। आई होप कि जिस तरीके का रिएक्शन, इवन मुरली सर वो आउट ऑफ वर्ड्स थे जब वो फिल्म देख के वहाँ पे उठे थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो तो मैं बस बोल सकता हूँ कि वो इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए, एंड गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम वाज अ बिग थिंग. सो दैट स्टैंडिंग ओवेशन मीन्स अ लॉट, एंड आई एम थैंकफुल टू द एंटायर आर्मी एंड द चीफ ऑफ आर्मी एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी. थैंक यू.